नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। बंबई उच्च न्यायालय की आज के दिन हुई थी स्थापना। 14 अगस्त 1862 को बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंग्लैंड की महारानी ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बंबई हाई कोर्ट की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी। यह देश का सबसे पुराना और विशिष्ट न्यायालय है। इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दादरा और नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। न्यायालय का भवन नवंबर 1869 में बनकर तैयार हुआ था। इस बिल्डिंग की डिजाइनिंग ब्रिटिश इंजीनियर J.A. फुलर ने की थी। 10 जनवरी 1969 को बंबई हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। आज के दिन हुआ था देश का विभाजन, पाकिस्तान बना था पृथक राष्ट्र। 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र घोषित किया गया था। इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ादी का जश्न मनाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इसे भारत से अलग करने की साजिश रची थी। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को ही बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने ही देश में लोग बेगाने हो गए और बड़ी संख्या में शरणार्थी बन गए। इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क गई और कत्लेआम हुए। इस हिंसा में करीब 10 लाख लोगों की जान गई थी। मोरारजी देसाई को आज के दिन प्रदान किया गया था निशाने पाकिस्तान। 14 अगस्त 1968 को मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है। मोरारजी देसाई ने 1977 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था, लेकिन वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। चौधरी चरण सिंह से मतभेद के कारण उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। मशहूर कॉमेडियन जॉनी लिवर का आज के दिन हुआ था जन्म। कॉमेडियन एक्टर जॉन प्रकाश राव उर्फ जॉनी लीवर का जन्म आज के दिन आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 14 अगस्त 1956 को हुआ था। वे हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। जॉनी लीवर देश के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शुरुआत में जॉनी लीवर ने अपने पिता के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में काम किया था। वह खाली समय में अपने को वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे। उनकी प्रसिद्ध फिल्में इलाका, काला बाजार, बंद दरवाजा, किशन कन्हैया, हमला, चमत्कार, इंसानियत का देवता, रूप की रानी, चोरों का राजा आदि है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 14 अगस्त दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44% है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी व बसंती तथा निषेध रंग पीला व लाल है। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74% है। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शुभ रंग सफेद व निषेध रंग पीला व सिंदूरी है। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80% है। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला व काला तथा निषेध रंग पीला व लाल है। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62% है। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला व निषेध रंग हरा व लाल है। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44% है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला व निषेध रंग लाल है। कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 69% है।
बौद्धिकता का साथ मिलेगा, आपके सोच विचार में गहनता आएगी, कुछ व्यर्थता का अनुभव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग नीला व काला तथा निषेध रंग लाल व पीला है। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80% है। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस, घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होगी, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद व निषेध रंग पीला व गुलाबी है। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53% है। गर्मी लू आदि से बचाव रखें और खान पान का ध्यान रखें। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग भूरा है। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52% है। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में समय हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती व निषेध रंग काही हरा है। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79% है। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है, डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। शुभ रंग नीला व निषेध रंग लाल व पीला है। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80% है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग नीला व काला तथा निषेध रंग पीला व लाल है। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53% है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती व निषेध रंग हरा व जामनी है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।